फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी के उम्मीदवार विजयी होकर के जाएं, इसके लिए जहां आज अपने पूरे परिवार के साथ वहीं अपने सभी दोस्त मित्रों को राजनीतिक साथियों को साथ लेकर के आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में नए सिरे से आस्था व्यक्त करने वाले पूर्व में रहे विधानसभा के मेरे साथी चौधरी भगवान साय रावत जी, आपके अधीन हल्का के विधायक विधानसभा के मेरे साथी चौधरी केर सिंह रावत जी, पूर्व में रहे विधानसभा के सदस्य चौधरी नफे सिंह गाठी जी, मंच का संचालन कर रहे पूर्व विधायक श्री रामवीर पटौदी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के सचिव चौधरी महेंद्र सिंह चौहान जी, जिला के अध्यक्ष भाई अजीत सिंह बोबी जी, हल्का के अध्यक्ष श्री महेंद्र मढ़ाणा जी, युवा जिला के इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अध्यक्ष अजीत सत्य पहलवान जी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री महावीर चौहान जी, श्री बच्चू सिंह देवतिया जी, किसान सेल के जिला के अध्यक्ष श्री जवाहर डागर जी, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री गिरिराज डागर जी, श्री अशोक शर्मा जी, पार्टी के किसान सेल के प्रदेश के महासचिव श्री उदयवीर सहरावत जी, दविंदर सिंह तेवतिया जी, वीर सिंह घोड़ी जी, रामपाल लिखी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के हल्का के और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान की योग्य माताओं बहनों, सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा कि आपको दिए गए समय के अनुसार आपके बीच में पहुंच नहीं पाया। रास्ते में बहुत सी नई ज्वाइनिंग थी, मुझे पहले पानीपत रुकना पड़ा, पानीपत से फिर सोनीपत में रुकना पड़ा, इस करके थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। साथियों, लोकसभा के चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, आने वाली 12 मई को हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होंगे। 5 वर्ष पहले जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो लोग कांग्रेस के कुशासन से दुखी थे, परेशान थे, लोग बदलाव चाहते थे, लोगों की इच्छा तो थी कि कोई तीसरा मोर्चा बने, लोग चाहते थे कि कांग्रेस जाए, तीसरे मोर्चे का गठन हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए और तीसरे मोर्चे के पक्ष में हम अपना वोट डाल करके अपनी मनचाही सरकार बना सके। लेकिन बदकिस्मती थी देश के लोगों की कि तीसरे मोर्चे का गठन नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया। मोदी साहब ने सारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों के बीच में इस तरह के लुभावने वायदे किए थे कि लोग उनकी बात से प्रभावित हुए। अगर मैं सारे वायदों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य से 50% ज्यादा देके उसको मालोमाल करेंगे। वायदा किया था नरेंद्र मोदी जी ने कि जो धन विदेशों में जमा करा रखा, कांग्रेस के 50 वर्ष में कांग्रेस के लोगों ने जो पैसा इस देश से लूट करके विदेशों के बैंकों में जमा कराया, उस पैसे को हम वापिस लेकर के आएंगे और 15-15 लाख रुपए जन धन योजना के तहत हर व्यक्ति के खाते में जमा करा देंगे। तीसरा बड़ा वायदा किया था देश की जनता के युवाओं के साथ
कि हर वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव थे। हरियाणा प्रदेश में कोई नहीं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आएगी। लोगों ने तो फैसला ले रखा था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश की सत्ता सौंपेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के अंदर आकर के लोगों से और ज्यादा बड़े वायदे किए। लोग बातों से प्रभावित हुए। हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने से पहले कहा था कि नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवान से कहा था 5 लाख बच्चों को हर साल रोजगार और नौकरी देंगे। हरियाणा में कहा था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पक्के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान देंगे। बुढ़ापा पेंशन भी 2000 करने की बात कही। अनेक इस किस्म के वायदे हरियाणा में भी किए गए। हरियाणा में भी सरकार बन गई, केंद्र में भी सरकार बन गई। मैं हरियाणा प्रदेश के तकरीबन हर गांव में जाकर के आया। मैंने गांव के लोगों से, जब हम SYL नहर के पानी को लेकर के पूरे प्रदेश भर से आंदोलन चला रहे थे, जब हम उस पानी की लड़ाई को लड़ रहे थे, उस वक्त मैंने लोगों से पूछा था कि क्या किसी के खाते में कोई एक नया पैसा भी आया। मुझे ना किसी गांव में, ना किसी शहर में, ना किसी कस्बे में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे खाते में सरकार की तरफ से कोई एक नया पैसा है। आप अथीन हल्के के गांव गांव से आए हुए, आपके किसी गांव में कोई एक आधा पैसा आया कि नहीं आया? कोई पैसा नहीं है। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है, अब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कैसे किसान को फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए 6000 रुपया किसान को, जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है, जिसके 1 हेक्टर जमीन है, उस किसान के खाते में कहते हैं 6000 रुपये डालें। किसान को बरगलाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, इसलिए इस किस्म की बात करके कहीं ना कहीं किसान को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां वायदे पूरे होने चाहिए थे, वायदे पूरे करने के बजाय का तो ये था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, का तो ये था कि किसान की फसल का जो लागत मूल्य है उससे 50% आपको ज्यादा देंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसान जब अपनी धान की फसल बाजार में बेचने गया तो नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब में से 250 से 300 रुपए क्विंटल के काट लिए गए। जहां 250-300 रुपए क्विंटल के कम दिए, वहीं कैसे किसान को आर्थिक रूप से और कमजोर किया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कर दी। उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी आपसे बिना बताए पहले साल 400-400 रुपए पर एकड़ के हिसाब से लिए, अगले साल 500 कर दिया, अब 600 कर दिया, और अगले साल अगर इनकी सरकार आ गई तो 700 कर दे। किसान की जेब से पैसे निकाल करके किसान को आर्थिक रूप से कमजोर किया। आपसे पैसा लिया और आपके खाते में कहते हैं हमने पैसा डाल दिया। सरकार केवल और केवल बरगड़ाने में लगी, लगातार किसान को आर्थिक रूप से कमजोर करती रही। जहां पहले आपको आर्थिक रूप से कमजोर किया, वहीं उसके बाद इन्होंने सामाजिक रूप से भी कैसे आपको कमजोर किया जा सके इसकी योजना बना कर। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर के जो आपका आपसी भाईचारा था, जो आपका आपसी प्रेम भाव था, हम अगर किसी भी प्रदेश में जाते हैं, जब लोग हमें पूछते हैं कहां से आए, अगर कहें कि हरियाणा से आए, तो हर आदमी की जबान पे एक ही बात होती है कि आप उस हरियाणा से आए हो जिस हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा भाईचारा है, जहां लोगों की एक पहचान है। उस भाईचारे को कैसे तोड़ा जाए, उस भाईचारे को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए इन्होंने योजना बना दी। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जहां 5 जातियों को बारी बारी से यह कहा गया था कि तुम्हें आरक्षण में शामिल करेंगे,
शामिल करने के बजाय 15 महीने तक लगातार उन लोगों को बुला बुला करके आश्वस्त किया गया। और 15 महीने के बाद जब सरकार की पोल खुल गई, जब आरक्षण आंदोलन चलाने वाले लोगों को उनकी नीयत पे शक हो गया, जब उनको लगा कि ये लोग तुम्हारी बात को मानने के बजाय टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आरक्षण की मांग को लेकर के पांचों जाति के लोगों ने अलग अलग जगह पे धरने शुरू कर दिए। कहीं रेल के रास्ते रोक दिए, कहीं सड़क रोक दी। 19 तारीख को मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक में सब पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आप ये आंदोलन खत्म करना चाहते हो तो जो वायदा आपने इन लोगों के साथ किया उस वायदे को पूरा कर दो। मुख्यमंत्री कहने लगा, मैंने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हम पांचों जातियों को आरक्षण में शामिल करेंगे। वहां कांग्रेस के लोग भी थे, वहां हमारी पार्टी के लोग भी थे, वहां इंडिपेंडेंट भी थे, वहां अनेक दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी आए हुए थे। मुख्यमंत्री ने वहां पे इस बात की हां भर ली कि बाहर जाके प्रेस में कह देंगे कि इसी विधानसभा के सत्र में पांचों जातियों को आरक्षण में शामिल कर दें। लेकिन बाहर जाकर के मुख्यमंत्री ने अंदर जो फैसला हुआ वो बात कहने की बजाय बाहर जाकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो 31 मार्च को 2 मेंबरों की कमेटी बना दी, वो जो फैसला करके आएगी उस फैसले को लागू करूंगा। जब ये बात कही गई तो कांग्रेस के लोगों ने कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आंदोलन चलाने वाले लोगों में कांग्रेस पार्टी के लोगों को भेज करके उस आंदोलन को तीखा करने की बात कही। उसका नतीजा ये हुआ कि जहां कांग्रेस उन लोगों को उकसाने का काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आड़ लेकर के जगह जगह पे लूटपाट शुरू करवा दी। कहीं आगजनी करा दी, कहीं किसी की दुकान लूट ली, किसी ने बैंक लूट लिया, हजारों करोड़ की संपत्ति जो आग के हवाले कर दी गई। और जब हरियाणा प्रदेश आग के हवाले हो रहा था, कैसे उसको रोका जाए? जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो तो सड़कों पे बैठे थे, जो बाजार के अंदर दुकानें लूट रहे थे वो शरारती किस्म के लोग थे जिन्हें पैसे देकर के इस काम में लगाया गया था। और जब बेकाबू हो गया तो फिर जो आराम से बैठ करके सरकार का विरोध करके अपनी बात मनवाने के ये आंदोलन चला रहे थे उन पे आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 32 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया, 32 बच्चे मार दिए। और फिर उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनके पैर पकड़े, उनसे माफी मांगी, उनसे कहा कि आप इस आंदोलन को समाप्त कर दो, हम आपकी सारी बात मान लें। उन्हें आश्वासन दे दिया गया कि हम विधानसभा में आपका जाट आरक्षण का जो प्रस्ताव है इसको पास कराएंगे, हम इसको कानून बना देंगे, हम इसको लागू कर देंगे। लागू करने के बजाय आधा अधूरा कानून बना करके आज भी उस मामले को लटका के रखा हो। और उस दौरान जब ये सारी बातें हो रही थी तो राजकुमार सैनी जैसे लोगों को, मनीष ग्रोवर जैसे लोगों को, कहीं किशन बेदी जैसे लोगों को ये कह करके कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का भाईचारा टूटे उसके लिए तुम बारी बारी से अखबार में स्टेटमेंट दो कि हम इन पांचों जातियों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। एक तरफ देने की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ भड़काने की बात कर रहे थे, आपका भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जहां आपको आर्थिक रूप से कमजोर किया वहीं सरकार ने आपको सामाजिक रूप से भी कमजोर करने में षड्यंत्र करने का काम किया। और अब आने वाले समय में जब चुनाव होगा लोकसभा का तो 100% भारतीय जनता पार्टी आपको राजनीतिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश करेगी। ये राजनीतिक रूप से आपका शोषण हो सके इसके लिए आपके बीच में तरह तरह के नारे लगाएगी, तरह तरह के वायदे आपसे करेगी। अगर आप लोगों ने अब भी समय रहते इकट्ठे नहीं हुए, अगर आप लोगों ने इकट्ठे होकर के अपनी ताकत नहीं बढ़ाई, कहीं आज फिर किसी बहकावे में आ गए तो फिर मान करके चलो आने वाले समय में आपकी हालत तो राजस्थान के जाट से, यूपी के जाट से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। जिस तरह से यूपी में, राजस्थान में, बिहार में मुसलमान को इन्होंने अलग थलग कर दिया,
जिस तरह से राजस्थान में और यूपी के जाट को अलग अलग थलग कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में आपको भी अलग थलग करने का काम करेगी। इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने छोटे मोटे मतभेद, छोटे मोटे विवाद और झगड़े, चाहे कोई वो पंचायत के चुनाव के है, चाहे कोई खेत और डोल के मामले है, चाहे कहीं बोरे और जेवड़ी का इश्यू है, चाहे कोई और छोटे मोटे हमारे आपस में मतभेद हैं, हमें 100% उनको भूल करके अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी ताकत बनाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को साथ लेकर के अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। जब एकजुट होगे, अपनी ताकत बनाओगे, तो फिर 100% ये सिर्फ ही ताकतें जो कहीं ना कहीं हमारे बीच में जाति पाति का जहर घोल करके अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं, फिर उनके मुंह पे करारी चप्पत लगने का काम होगा। मैं उम्मीद करूंगा 100% आप इन बातों पे विचार करो। बड़ी हैरानी की बात है, किस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों को अपमानित करने के लिए मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में रहे हुए नेताओं ने कहीं घुसपैठ करके पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करी, और जब कमजोर करने की कोशिश में सफल नहीं हो पाए तो पार्टी से अलग हो गए। आज अलग होकर के एक तरफ तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, दीन बंधु सर छोटू राम, जिसे देश का किसान भगवान के रूप में मानता है, हम जिसकी पूजा करते हैं, हर किसान कहता है कि अगर छोटू राम ना होता तो 100% आज किसान के पास 1 इंच जमीन नहीं होती, सारी की सारी जमीन बैंकों के हवाले हो जाती, बैंकों में चली जाती। सर छोटू राम ने एक कानून बनाया था सन 1936 में कि किसान के ऊपर जब कोई किसान कर्जा लेगा तो ना तो उसकी जमीन को कोई कुर्क कर सकेगा, ना कोई उसके पशु को कुर्क कर सकता, ना कोई उसके घर को कुर्क कर सकता। अगर कोई इंडस्ट्रिस्ट के घर को कुर्क ना करे, अगर केवल और केवल उसकी इंडस्ट्री पे लिए हुए लोन को माफ किया जा सके तो फिर किसान का लिया हुआ लोन भी माफ होना चाहिए। चौधरी छोटू राम ने किसान को जिंदा रखने के लिए ना केवल हिंदू किसान को, हिंदू जात को, बल्कि मुसलमान को भी अपने साथ खड़ा किया, सिख को भी अपने साथ खड़ा करने का काम किया। किसानों के मसीहा के रूप में जाने गए। आज जो पार्टी हमारे से अलग हुई, जो लोग हमारे से अलग होकर के नए राजनीतिक दल बनाए, कल उन्होंने शहीदी दिवस के नाम के ऊपर कहीं लोगों का एक छोटी मोटी मीटिंग करने की कोशिश की, और उस मीटिंग के अंदर एक भूतपूर्व विधायक गौतम जो है उसने टिप्पणी करी, उसने कहा कि चौधरी छोटू राम, दीन बंधु सर छोटू राम, जिनको सर की उपाधि मिली है, उन्होंने कहा कि जिनके पास सर की उपाधियां हैं वो गद्दार है। उन्होंने दीन बंधु सर छोटू राम को गद्दार कह करके किसान को उनको अपमानित करने का काम किया। जहां दीन बंधु सर छोटू राम को गौतम ने, राम कुमार गौतम ने यह कह करके अपमानित किया, वहीं जो जे पार्टी, जेजेपी पार्टी, जो चप्पल वाली पार्टी लेकर के आजकल के चले हुए हैं, उस दुष्यंत ने भी उसी मंच से खड़े होकर के कहा कि मैं राम कुमार गौतम की दादा की बात से सहमत हूं, जो लोग अपने कौम के लोगों की इज्जत ना करना जाने, आप लोगों को उसके लिए एक प्रस्ताव पास करना चाहिए, आप लोगों को इसके लिए अलग से सम्मेलन बुला करके इनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास करके जब तक ये लोग माफी ना मांग ले तब तक ऐसे लोगों को ना तो आप अपने गांव में घुसने, इनका सामाजिक बहिष्कार करो, इन लोगों को इस चीज की औकात बताओ कि आपने जिस घर में जन्म लिया, आप जिस घर में पैदा होकर के आए हो, जिस चौधरी देवीलाल के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, चौधरी देवीलाल ने तो कहीं किसान का कोई अपमान करने की कोशिश करता था, चाहे वो किसी बड़े से बड़े पद पे होते थे,
मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुरारजी भाई देसाई ने चौधरी चरण सिंह को अपने मंत्रिमंडल से रात को हटाने का काम किया। चौधरी देवीलाल उस वक्त में मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और चौधरी देवीलाल ने उसी दिन ऐलान कर दिया कि हम किसान का अपमान नहीं सहन करेंगे, हम चौधरी छोटू राम चौधरी चरण सिंह के अपमान का बदला केंद्र की सरकार से लेंगे। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 9 अगस्त की तारीख को दिल्ली के वोट क्लब के ऊपर लाखों किसानों को जोड़ करके केंद्र की सरकार को मजबूर करने का काम करें। जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था तो मुरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल से बुला करके कहा कि आप जनता पार्टी के मुखिया हो, आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप जनता पार्टी के एमएलए के द्वारा बनाए गए, और ये पार्टी का फैसला नहीं है। चौधरी देवीलाल ने कहा कि कोई किसान का अपमान करे चौधरी देवीलाल उसको बर्दाश्त नहीं करे। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा पहले और मुख्यमंत्री बाद में हूं। उन्होंने 9 तारीख को 9 अगस्त को वोट क्लब से लाखों किसानों को इकट्ठा करके केंद्र की सरकार को मजबूर करके फिर से चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बना करके मंत्रिमंडल में शामिल कराने का काम किया। एक तो वो चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने बड़ी से बड़े कुर्बानी दे करके बड़े से बड़े पदों को त्याग करके किसान की ताकत बनाने का काम किया। आज उन्हीं की नीतियों की बात करने वाले लोगों के मंच से अगर चौधरी छोटू राम को दीनबंधु सर छोटू राम को कोई अपमानित करता है तो फिर आपकी और हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को सबक मिले। इसके लिए इनका सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि इनका बहिष्कार होना चाहिए। साथियों मन बहुत था कि आपके बीच में बहुत देर रह करके बहुत सारी बातें करके जाऊं। मैंने और राउत साहब ने दोनों ने विधानसभा में 5 साल इकट्ठे बिताए। राउत साहब ने हमेशा पार्टी के संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। किसी कारणवश हो सकता है कि पार्टी से किसी मजबूरी वश चले गए, लेकिन आज जब दोबारा इनका संदेश मुझे इस बात के लिए मिला जब उनकी बहू श्री रानी ने रावत ने और इनके बेटे अशोक जी ने मेरे से बात करी और उन्होंने कहा कि हम फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे पुराने साथी आज फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। मैं इस बात के लिए पूरे परिवार का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूं इस लोकसभा के चुनाव के अंदर पार्टी की नीतियों का बखान घर घर में जाकर के करेंगे। पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर घर से 2-2, 3-3 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करो। पार्टी के जितने लोगों को साथ जोड़ोगे, जितने लोगों को मेंबर बनाओगे, आपकी पार्टी का संगठन उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाए। जिस पार्टी का संगठन मजबूत हुआ करता है 2% उस पार्टी के लिए सत्ता के रास्ते खुल जाया करते हैं। आपकी पार्टी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गैर मौजूदगी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां संगठन को शिखर पे पहुंचाने का काम किया था, बच्चे बच्चे के जवान पे एक बात जाकर के खड़ी कर दी थी कि आने वाले चुनाव में विधानसभा के जब चुनाव हरियाणा प्रदेश पे होंगे तो हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 सीट जीत करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। आपकी पार्टी की जब जब ताकत बढ़ी, जब जब आपका संगठन बड़ा हुआ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के आपके संगठन को कमजोर करने के लिए योजनाएं बनाने का काम किया, षड्यंत्र रचने का काम किया। जब आपकी ताकत बढ़ रही थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी की उस भर्ती के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं फंसा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करी, लेकिन आप लोगों की बदौलत पार्टी ने फिर संगठन को मजबूत किया और हालात बदलने का काम किया। आज फिर आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस और भाजपा फिर षड्यंत्र रच ली, लेकिन आज जहां भगवान साहेब रावत जी अपने परिवार के साथ फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में
संतोष थी कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करे। हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने से पहले लोकसभा के चुनाव में जहां की बार इस देश के अंदर इस किस्म के राजनीतिक हालात हैं, ना भारतीय जनता पार्टी अकेली सत्ता में आ सकती, ना यूपीए सरकार बना सकती, ना एनडीए सत्ता में आ सकती। अब की बार 100 का 100 फीसदी एक एक मेंबर पार्लियामेंट की बड़ी कीमत होगी। अगर आपने मजबूती का परिचय देते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो जिस किसी को प्रत्याशी बना करके भेजे, उसको अपने अपने गांव से कस्बे से बाढ़ से जिता करके भेज दिया, तो फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों को इस देश में फिर से लागू कराने के लिए जो सरकार बनेगी, हम उस सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने का काम करो। जहां देश में चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बनेगी। और आपकी सरकार बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हांसी की रैली में खुल करके कहा था कि हम गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत और कठिनाई ना आए। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर हमारे प्रदेश में कोई है तो हमारी बहन और बेटियां। रोजाना के अखबार की सुर्खियों में लिखा आता है 6 साल की बच्ची को उठा करके दरिंदे ले गए, बलात्कार किया, मार करके झाड़ियों में फेंक दिया, जो दरिंदगी करने वाले लोग थे आज तक नहीं पकड़े। कहीं किसी नाबालिग लड़की को उठा लिया जाता है, कोई स्कूल जा रही है, कोई कॉलेज जा रही है। आज तो ऐसी हालत है कि हर माँ बाप को इस बात को लेकर के भी चिंता रहती है कि बेटी मंदिर गई है, मस्जिद गई है, गुरुद्वारे गई है, पता नहीं किन हालात में मेरी बच्ची वापस घर सुरक्षित लौटेगी। सरकार ने नारा तो दे दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। इसके लिए चौटाला साहब ने ऐलान किया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जब सरकार बना दोगे तो जहां हम अपनी बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करेंगे, वहीं बेटी की पढ़ाई में लिखाई में शादी में दिक्कत ना आए, इसके लिए 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में देने का काम। आज किसान कर्जे से डूबा हुआ है, सरकार ने फसल में लूट लिया, फसल बीमा योजना के नाम पे लूट लिया, आज बैंकों के कर्ज से किसान परेशान है। चौधरी देवीलाल ने 10-10 हजार के कर्जे माफ किए थे, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद जब किसान पे कर्जा 10 हजार का होगा चाहे 10 लाख का कर्जा होगा, उसको जड़ मूल से समाप्त करने का काम करेंगे। जहां कर्जे माफ करेंगे वहीं पढ़े लिखे हर एक घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। जो बच्चा नौकरी से रोजगार से वंचित रह जाएगा उसको 15 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देकर के उस बच्चे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, वो पेंशन बढ़ करके 100 से 500 ही 500 से बढ़कर के 1000 हुई, 1000 से बढ़कर के 2000 हो गई। लेकिन 2000 पेंशन करने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मेरे से कहा कि अभय जी हमने 2000 रुपए पेंशन कर दी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये पेंशन किसने बनाई थी? क्या पेंशन देश के प्रधानमंत्री ने बनाई? क्या पेंशन श्यामानाथ मुखर्जी ने बनाई? क्या पेंशन दीनदयाल उपाध्याय ने बनाई? मैंने पूछा उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने पेंशन की शुरुआत करी थी। मुख्यमंत्री ने परेशान होकर के कहा पेंशन तो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी। मैंने मुख्यमंत्री से कहा आज भी बड़ा बुजुर्ग जो पेंशन लेकर के बैंक से बाहर निकलता है उस पेंशन के पैसे को मत्थे के लगा के तुच्छकार के कहता है कि भला वो देवीलाल तेरा जो तेने हमारी पेंशन बनाई आज हमारा काम कर रहा। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए की शुरुआत करी थी, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके हर रोज बुजुर्ग के हाथ में 100 रुपया पेंशन दे करके 3000 रुपए महीना पेंशन देने का काम कर रहा। वहीं किसान के खेत की जो बिजली है उसको माफ करने का काम करेंगे और जो आपके घर की बिजली है उसके बिलों को आधा करने का काम करेंगे। ये सारी चीजें तब होगी जब आप छोटे मोटे मतभेद बुलाकर आज से इस बात का प्रण लेकर के जाओगे
कि हम 100% अपने भाईचारे को कायम करें और भाईचारे को इकट्ठा करके भाईचारे के साथ बातचीत करके अपना एक एक वोट एनक के निशान पे लगा करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे ही तुम इस बात का प्रण कर लोगे 100% आपकी सरकार बनेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, लोकसभा में आपके ज्यादा से ज्यादा एमपी जीत करके जाएंगे, देश में जहां चौधरी देवीलाल की नीतियां लागू होगी वहीं हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। एक बार फिर श्री भगवान सिंह रावत जी का और उनके पूरे परिवार का पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सब भाई, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।